नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है. आई एम गोपाली एंड आज हम कर रहे हैं द मैकडॉनल्ड्स चैलेंज, वेर आई विल बी ईटिंग ओनली मैकडॉनल्ड्स फॉर 24 आवर्स. लाइक लेजिट 24 घंटे के लिए मैं सिर्फ मैकडॉनल्ड्स खाने वाली हूँ. लास्ट फ्यू वीक से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक रिस्किंग माई लाइफ. सो जस्ट फॉर दिस रिस्क सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो. सो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह मैं तैयार होके जानवी को ज़बरदस्ती उठा के मैकडॉनल्ड्स ले आई हूँ. सर सुबह 7 बजे मैकडॉनल्ड्स खुल जाता है, अगर मुझे पता होता तो मैं सुबह 7 बजे आ जाती, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी हुई है. आई एम सो हंग्री. आई हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग लाइक हैवी ब्रेकफास्ट एंड लाइक लाइट लंच. सो या लेट्स गो, बट हेल्दी. बट या लाइक लिटरली आई जस्ट ट्राई कि मैं मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी रखूँ. और लाइक हमारी मम्मी ने आदत डाली कि सुबह हमें भाखरी या पराठा या ऐसी लॉट ऑफ घी एंड चाय, और हम वही सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं. सो आई एम जस्ट गोना हैव सम अनहेल्दी ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट माई डे विद दैट. सुबह सुबह 7 AM to 1 AM. ओके गाइस, तो इन्होंने ना कुछ ब्रेकफास्ट मेन्यू और कॉम्बोज वगैरह डिसाइड किए हैं, तो उन्होंने वीकली डेज के हिसाब से लाइक मंडे को एक, ट्यूसडे को एक, इस टाइप के उन्होंने लाइक स्पेसिफिक जो आइटम्स हैं वो डिसाइड कर दिए हैं. सो आज ट्यूसडे है और आज का जो इनका मेन्यू है दैट इज़ कॉर्न एंड स्पिनच बर्गर इन व्हीट ब्रेड प्लस अ कैपेचिनो. तो लाइक कैपेचिनो तो हर दिन कॉमन है, बाकी जो मेन चीज़ है वो चेंज होती रहती है. एंड इस जो ब्रेकफास्ट की प्राइस है ये फिक्स्ड है हर रोज, इट इज़ फॉर ₹99. दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैविंग लाइक ब्रेकफास्ट इन मैकडॉनल्ड्स, या फिर मुझे तो याद ही नहीं मैंने ब्रेकफास्ट बाहर कब किया है. गाइस दिस इज बेबी चीनो है ना. ओके गाइस, आई एम गोना ट्राई दैट कैपेचिनो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो दिस कॉर्न स्पिनच बर्गर. ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक मेरा ब्रेकफास्ट इससे काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है. ओके ओके सर, दिस इज सो गुड. ओके गाइस, सो वी आर डन विथ आवर ब्रेकफास्ट एंड द ब्रेकफास्ट वॉज लाइक ओके ओके. मुझे कैपेचिनो थोड़ा अच्छा लगा, बट द बर्गर वॉज लाइक नॉट सो गुड. एंड मैंने मेरे लिए पोटैटो वेजेस पार्सल भी करवा लिए, बिकॉज आई नो मुझे ब्रेकफास्ट से पहले पक्का भूख लगेगी. सो या आई हैव गॉट सम पोटैटो वेजेस विथ सम चिली सॉस. एंड जानवी, हाउ वॉज योर ब्रेकफास्ट? इट वॉज गुड, बट द कैपेचिनो वॉज एक्चुअली लाइक वेरी चॉकलेटी. जानवी को बेबी चीनो नहीं पसंद आया, वो जो मैक वेज पफ ये और मेरी मम्मी खाते हैं लाइक इन दोनों लोगों को वो तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वो इतना नहीं अच्छा लगता. गाइज, हम इतनी ज़्यादा सुबह हर जगह आ गए हैं आज, लाइक हम मैकडॉनल्ड्स आए थे और मैकडॉनल्ड्स के पास ही स्टार बाज़ार है, तो मुझे मेरी बुआ के लिए कुछ सामान लेना था तो मैं यहाँ आई हुई हूँ और अभी तक ये खुला ही नहीं है. लाइक आई गेस वी आर द फर्स्ट कस्टमर. आज मैंने डिसाइड किया है मैकडॉनल्ड्स वालों की क्या कहते हैं बोनी मैं करवाऊँगी, स्टार बाज़ार वालों की बोनी मैं करवाऊँगी. हमें सिटी साइड कुछ काम था, अभी 1 बज रहे हैं तो हम यहीं पे थे. एंड ऑल्सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू ग्रैब माई लंच, बिकॉज मेरे घर के आजू बाजू कहीं पर भी मैकडॉनल्ड्स नहीं है. सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू ग्रैब सम लंच, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है बिकॉज द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट दैट फिलिंग. सो या आई एम जस्ट गोना गो एंड गेट सम lunch for myself and yeah, chalo. So guys, we got our food एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा. अभी मार्च है और मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी है सूरत में, और यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी नहीं है, मतलब हाईवेज पे ही है. हाईवेज पे है ड्राइव थ्रू, बाकी पूरे सूरत में जनरली मैंने सिटीज़ में कहीं पे भी ड्राइव थ्रू देखा नहीं है. मैकडॉनल्ड्स पीपल यू शुड गेट ड्राइव थ्रू. हेलो गाइज, आई एम बैक होम एंड आई एम सो हंग्री. सो हम दो राइस बाउल लेके आए, वन इज द स्पाइसी वन, वन इज द चीजी वन. वी आर जस्ट गोना हैव दिस यम्मी यम्मी फूड बिकॉज़ आई एम सो हंग्री राइट नाउ. आई एम सो थैंकफुल कि मैकडॉनल्ड्स वालों के पास एटलीस्ट राइस थे ताकि मैं मैदा वैदा से बच गई. सो आई एम जस्ट गोना हैव दिस. चलो
I'm trying their rice for the first time. Let's see how are they. ये वो पास्ता की तरह लाइक रेड सॉस पास्ता आता है ना, तो आपको ये खाना चाहिए, वैसा टेस्ट कर रहा है. हाँ लेकिन उन्होंने सॉस और सीजनिंग वगैरह सारी वो पास्ता वाली रखी है. नाउ लेट मी ट्राई दिस वाइट वन, बिकॉज़ आई लाइक वाइट पास्ता, सो आई जस्ट थिंक कि आई लाइक दिस वन. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनी ऑफ देम, बट मुझे चीज़ वाले ज़्यादा अच्छे लगे रेड से. Guys, I've had some yummy yummy lunch and now I just feel ki like main aaram karu, main so jaun thodi der, because the rice were quite heavy. Abhi bhi like red rice aur white rice thode thode se rakhe hue, but I'm pretty sure ki sham tak mujhe bhook lagegi to main wo finish kar lungi. And yeah, I just feel ki I should sleep, but no, we need to work. Kuch exams wagera aa rahi hain, so I just need to sort some syllabus. I just need to check ki mere paas kya cheeze hain, kya nahi hai, kya mujhe google karni hai. Jhoot bol rahe ho, bolo na padhna hai mujhe. Seriously padhna nahi hai mujhe. Ye aise hi log hote hain jo bolte hain main padhti nahi hu, aur fir marks lagte hain. So you think I'm smart? Okay, thank you so much. Lol. So haan, but yeah, I literally feel ki I should sleep. Because subah se na, I just had like so much of food and I'm totally stuffed right now. And maine aaj subah se exercise bhi nahi kiya, so that is like one more thing. But yeah, I guess I'm just gonna go. Like main uth jaati hu, warna agar main ek bar late gayi, fir I'm just gonna like watch some YouTube videos and chill. But no, we need to walk something. Like we need to do some work. So okay, I can't walk. Walk, I can't. Okay, bye. शाम के 4 बज रहे हैं एंड आई एम हैविंग दिस पोटैटो वेजेस जो लाइक सुबह से ऐसे रखे हैं, विद सम चिली सॉस एंड विद दिस लेमन आइस टी. आई डोंट थिंक कि ये चीटिंग कहलाएगी, बिकॉज लाइक मेरे घर से मैकडोनल्ड्स 7 to 8 किलोमीटर्स दूर है, तब ऑफकोर्स लाइक मैं कुछ बेवरेजेस वगैरह लेने के लिए तो वहाँ नहीं जाऊँगी. एंड आई जस्ट थिंक दैट दिस इज़ जस्ट वाटर विथ लाइक लेमन आइस टी का पाउडर. Oh my god guys, this is so refreshing. This is literally so refreshing. I know main thandi cheeze nahi kha sakti hu, but I am feeling so lethargic right now. Agar main so like late hi na to I'll just crash, so it is better ki we'll motivate ourselves by having some coolers and some potato wedges. Guys, I just finished this white sauce या cheese वाले rice. Believe me, guys, ये ठंडे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. Like गर्म मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, बट हाँ ठंडे काफ़ी टेस्टी लग रहे थे. Like एक या दो ही bite बची हुई थी और मैंने अभी एक दो bite खा ली. अब मुझे और यही rice खाने हैं, पर ठंडे खाने हैं. Hello guys, so आप देख सकते हो driving seat पे कौन बैठा हुआ है. मैं जानवी को driving सिखा रही हूँ. और आगे नहीं जाती. नहीं जानवी इससे ज़्यादा आगे नहीं जाती, स्टेयरिंग पे बैठ के नहीं गाड़ी चलानी है. सो जानवी को मैंने पहले भी गाड़ी सिखाई है ना जानू. लाइक इसको क्लच ब्रेक एक्सलेटर क्या होता है कैसे होता है इसको पता है. सर बस मैं इसको गाड़ी चला सिखाने जा रही हूँ. एंड आई ऑल्सो चेंज कॉज मैं लाइक थोड़ा दौड़ने भी वाली हूँ, कॉज आई इट्स सो अनहेल्दी फूड, सो आई नीड टू डाइजेस्ट दैट. एंड या आफ्टर टेकिंग अ रन एंड इसको थोड़ी बहुत गाड़ी सिखा के आई एम गोना गो एंड हैव समथिंग, कॉज आई एम लिटरली सो हंग्री. सो पहले हम इसको गाड़ी सिखा लेते हैं. And yeah, I'll catch you Let's sometimes. Let's take a snap. Janvi, like usko jab maine gaadi sikhai hai, usne gaadi kam sikhi, snaps aur photos zyada liye hain. Hello guys, I'm again at मैकडोनल्ड्स. आज दिन में मतलब मैं इतने बार मैकडोनल्ड्स आई ना, अगर इतने बार आज मैं मंदिर गई होती ना तो मेरी ना सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई होती. मुझे मील लेनी थी बट इन लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है, सो मुझे कॉफ़ी या मिल्क शेक वगैरह लेने थे एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं था कॉफ़ी या मिल्क शेक वगैरह पीने का. सो या इनके पास ना ही आइस टी है ना ही इनके पास कोल्ड ड्रिंक है, तो वो सारी तो कोई भी चीज़ें हैं ही नहीं. सो इसलिए हम मील नहीं ले पाए एंड हमने सारी चीज़ें सेपरेटली ली हैं. इंसान के बंदर पानी फेर दे जी, तो मैं लोगों की शक्ल देख रहा हूँ.
हरियाणा से ऑप्टी मिलती है फॉर रुपीज 90, 90 रुपए का वो प्लास्टिक, प्लास्टिक का नहीं, 90 रुपए का वो बिस्किट वाला छोटा सा पतला सा कोन जो 2-3 रुपए का मिलता है, और ऊपर बस थोड़ी सी क्रीम बना देते हैं और वो 90 रुपए में मिलते हैं। देवर लाइक बस ये मैं कि बाहर चलकर फैमिली पैक ले लिया 110 रुपए की चॉको चिप्स, हाँ दैट इज मोर लाइक गुड। आप देख सकते हो कितनी छोटी फ्रेंच फ्राइज है, लाइक दिस इज द स्मॉल फ्रेंच फ्राइज, और ये बहुत ज्यादा कम है, लाइक लिटरली मैंने गिन के डाली ऐसा लग रहा है। फ्रेंच फ्राइज और राम फ्रेंच फ्राइज के साथ मैं लेके आई हूँ ये आलू नान, दिस इज चटपटा ग्रीन चिली आलू नान, और इसको मैंने पहले टेस्ट करके देख लिया है गाइज, ये काफी ज्यादा स्पाइसी है लाइक अपने नाम पे ग्रीन चिली पे बिल्कुल सही है। एंड मुझे लाइक ब्रेड इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, आई थिंक नान ज़्यादा बेटर होती हैं। और हम लेके आए हैं मैक आलू टिक्की, हम दो आलू टिक्की लेके आए, वन इज द नॉर्मल आलू टिक्की, ये जीजू या जानवी में से कोई खाने वाला है, एंड आई हैव गॉट मैक्सिकन मैक आलू टिक्की। ओके गाइस, आई एम डन विथ माई डिनर, और अभी भी मेरा जो वो मेक्सिकन मैक आलू वाला बर्गर है वो आधे से ज्यादा रखा हुआ है, एंड आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू हैव दैट नाउ, लाइक आई एम सो मच डन विथ बर्गर्स एंड मैकडोनल्ड्स टूडे। दो मैंने इतने ज्यादा बर्गर नहीं खाए हैं, बट इतना भी लाइक मेरे लिए बहुत है, स्पेशली बर्गर तो लाइक या। एंड मैं अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ता तो बिल्कुल भी लाइक बाहर खाने नहीं वाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर लिया है, एंड आई फील सो लेथार्जिक, आई लिटरली फील क्रैशिंग ऑन माई बेड एंड जस्ट गोइंग टू स्लीप, कॉज आई डोंट नो वाई, जनरली मुझे ऐसा नहीं लगता है, स्पेशली रात को तो आई एम सो प्रोडक्टिव, लाइक मुझे सारे क्रिएटिव और अच्छे आइडियाज रात ही को आ रहे होते हैं, बट आज बिल्कुल भी वैसे सिचुएशन नहीं है। सो या आई एम जस्ट गोना क्रैश ऑन and I'll give you my health update और मुझे कैसा लग रहा है tomorrow, so yeah, see you soon, bye, and there is Janvi. Okay guys, it is the next day and talking about how do I feel quite normal, मुझे कल ऐसा लग रहा था कि मैं इतना ज़्यादा अनहेल्दी खा रही हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, but no, I'm feeling normal. And talking about the food, I won't recommend you guys to have a lot of McDonald's या ये challenge लेना, बस कल रात को तो I was so stuffed with food, दो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, but still I think कि कल तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ तक खाना खा रखा है, एंड रात को भी मुझे इतनी ईजिली नींद नहीं आ रही थी, आई जस्ट डोंट नो, रात को मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बट या बाकी इट वॉज ऑल गुड। मुझे कल सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो रही थी, दैट वॉज लेथार्जिकनेस, आई वॉज फीलिंग सो लेथार्जिक, मुझे पूरे दिन ऐसा मन करता था अरे यार कौन काम करे, क्या ही काम करना, लेट्स जस्ट लाई ऑन बेड, बट जैसे आज मैंने नॉर्मल खाना वगैरह खाया है तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, आई गेस दैट वॉज चीज एंड ब्रेड एंड आई डोंट नो वॉट, बट या दिस वॉज मी ईटिंग मैकडोनल्ड्स फॉर 24 आवर्स, आई एंजॉयड इट, एंड आई होप आपको भी मजा आया हो देखने में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो, आई एम गोइंग टू मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय, डू सब्सक्राइब, सम अमेजिंग कंटेंट इज ऑन द वे, बाय।